भाई, इसे मार मार के ऐसा बनाया गया। कल के रैंकिंग का कमाल है ये। नहीं जी 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 सर, बिल्कुल रैंकिंग का कमाल। गाइस लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, रुकना नहीं चाहिए लाइक सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर दो, एक्टिविटी बढ़नी बढ़नी चाहिए, लाख लगाओ सब्सक्राइब कर करके। कितने सब्सक्राइबर सर हमारे अभी? लगभग 5000। 5000, 50000 कर दो आज ही, ठोक दो सर लाइक सब्सक्राइब। सर आप हमें चैनल का लिंक दो सर, हम फैला देंगे सर, यहाँ पे 1300 बच्चे हैं सर, 1300 के 1300 सब्सक्राइब करेंगे सर आपको। सीएस के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्या ब्रांच बढ़िया है सर? सीएस के बाद तो सर IIT ड्रॉप कर देना चाहिए फिर आपको, फिर अगर आपको सीएस नहीं मिल रहा। उसके बाद आर्ट्स लो, बिल्डर हॉस्टल। यस सर। मतलब अगर कोई भी जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहा है उसे BHU के सपने ना ही दिखाओ। सर मेरी बात तो आपको लग रहा है कि BHU का IIT है ना? आप यहाँ पर हमसे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? आपको लगता है आपका इंटरव्यू की ट्रिप बहुत अच्छी? साइंस लेनी नहीं चाहिए, IIT पढ़ना इतना बेकार है। क्या लिया था 12th में? मतलब 12th में मेरा बायोलॉजी था सर। बायोलॉजी है सर। देखिए सर, हम ना सर, सर देखिए हम PCM रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन सर हम बायोलॉजी भी रेकमेंड नहीं करेंगे। दोस्तों एक बार फिर आपको एक IIT BHU का वीडियो दे रहे हैं हम। लगभग 7-8 वीडियो हम बना चुके हैं IIT BHU पे। एक नया प्लेलिस्ट है जिसको डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और सारे वीडियो का कलेक्शन आप वहाँ से पाइए। और भाई लोग भी IIT BHU में फर्स्ट ईयर में आए, भागिए मत यार। ये कीड़ा नहीं है, ये भी नहीं आता, ये कीड़ा नहीं है, माइक है। सबसे क्या नाम है आपका? सिद्धांत। सिद्धांत कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से। सिद्धू? सिद्धू वैसे यहाँ पे रखा गया है सिद्धू नाम की, मतलब कहीं और इसकी गर्लफ्रेंड बोला कहती थी। नहीं भैया, मम्मी ने रखा है ना। मम्मी ने रखा है, रखा है ना प्यार से। तो कितना रैंक आया सिद्धू आपका? 1699। 1699। अच्छा यहाँ पे क्या सबसे कम रैंक, जैसे आपके बीच में सबसे अच्छा रैंक किसका है? किसका कितना रैंक है? ये सब थोड़ी ना पूछते हैं यार, ये इससे नहीं नहीं, इससे क्या होता है ना, बेसिक एटिकेट्स, मतलब IITian से ऑल द गर्ल्स हैव डेटेड वरी सॉरी IITian से क्या उनका रैंक और ब्रांच नहीं पूछा जाता क्या? नहीं नहीं नहीं, क्यों है? मतलब क्या फैक्ट है इसके पीछे? पूछ सकते हैं आप? नहीं पूछ। कॉमन कर्टेसी। अच्छा इन लोगों से पूछिए। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? आयुषी। आयुषी क्या ब्रांच है आयुषी आपका? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग, अच्छा हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अच्छा वो जो कंप्यूटर साइंस के बगल में है वहाँ पे। बहुत बहुत सही, एकदम अलग सा डिपार्टमेंट है, काफी अच्छा। क्या फैसिलिटीज है, पढ़ाई अच्छी हो रही है यहाँ पे? हाँ लाइक क्लासेस करी हैं उन, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है। कैसे 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 लाइक इनका नाम ना हर जगह है, लाइक अगर तुम ऐसे दरवाजा बंद हो तुम अंशिव सिंगला बोल दो, सब दरवाजा खोल के लाइक ऐसे खड़े हो जाते हैं, बाहुबली है ये मतलब हमारे। क्यों ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं 5'7" हूँ, 5'7" आइडियल हाइट होती है, 5'7" आइडियल हाइट होती है, इसलिए आप वायरल है यहाँ पे। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं? पंजाब में कहाँ से? श्रीनगर। श्रीनगर कितना रैंक आया बताएंगे आप? मेरा 680 रैंक आया था। 680 रैंक आया था। एक बार दोबारा लाइक दैट वाज इनकोडेड, लाइक एक और 12th का पास आउट किए भाई। हाँ 12th का पास आउट किया आपने? हाँ जी। कब पास किया 12th? नहीं मैं ड्रॉपर हूँ, मतलब मैं सेकंड, मेरा सेकंड ईयर ड्रॉप में हो रहा है। सेकंड ईयर? हाँ। तो मैं अभी 21 साल का हूँ। किस बैच के पास आउट है मतलब मैं आपसे बोलूँगा? पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ मेरे को, 2019 लग रहा है मेरे को, 2019 लग रहा है। और अच्छा ये जो लोग बहुत साल कोचिंग करते हैं, आपने भी 2 साल कोचिंग? नहीं नहीं कोचिंग वोचिंग नहीं, ये सब मोह माया जी। हम घर पे बैठते हैं, हम जई जाते हैं, हम ABCD तुक्का मारते हैं, हमसे जब हो गया हो गया, हमारा 680 रैंक आ गया, हम खुश हैं। तुक्का मारने से 680 रैंक और IIT BHU निकल जाता है? तीसरी बार मार रहा हूं ना सर, तब हुआ है। वो पहली बार में हो जाता तो आप क्वेश्चन पूछते तो सेंस भी होती। क्या ब्रांच मिला यहाँ पे? हमें कंप्यूटर साइंस मिला सर। कंप्यूटर सर 680 है सर, सबसे टॉप 680 है इसलिए इनको कंप्यूटर साइंस मिला। ऐसे ऐसे बार बार कर रहे हैं। अच्छा सबसे टॉप ब्रांच IIT BHU में कौन सा है? सर सेरेमिक। कैसे सेरेमिक? सर क्योंकि सर सेरेमिक ना, सेरेमिक ऐसे आप सोचते हो कि 15,000 वाले लोगों को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेरेमिक सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने GEE Advanced दिया नहीं है। सेरेमिक GEE Mains के थ्रू मिलता है। और सेरेमिक में आपको शायद सुना होगा आपने कि 10-10 करोड़ का एवरेज पैकेज है। हाँ। सर पीक नहीं, सर पीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। सर जैसे देखो CSE देखो, CSE का 24 लाख का है। हाँ। है ना, मतलब सुनने में लाइक ये तो सब अफवाहें हैं, किसको क्या पता कि कौन कवर भी किया है इतना। हाँ, लेकिन सर सेरेमिक का 10 करोड़ का है। सर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी? नहीं ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये टॉप कैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? अरे ये CSE वाले लोग हैं लाइक ये चाहते सारी अटेंशन इन्हें मिले।
तो बेसिकली सेरा का पैकेज को वो हाइड कर देते हैं, लाइक पता नहीं चलता लोगों को, बट हाईएस्ट पैकेज सेरा का जाता है हमेशा। इसको मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूं बिल्कुल। नहीं नहीं, देखिए देखिए मैं समझाता हूं। देखिए मान लिया सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ आईटीबीएचयू में। और देखिए देखिए, अगर मान लो यहां पे सामने कोई इंटरव्यूअर जा रहा होगा, तो मैं उसको छोड़ के जाके उसका मैंने पूछा कि आप कितना कमाते हो, तो वो ये नहीं जानना चाहेगा कि बाकी, वो ये नहीं चाहेगा कि बाकी लोगों को पता लगे कि आप 10 करोड़ कमाते हैं। अच्छा, है ना, तो क्योंकि वो टॉप बंदा है यहाँ का, तो इसको छुपा करके रखा। हाँ जी, इसको छुपा करके रखा गया, लेकिन टॉपर सर लीक मत दीजिए कहीं पे। आईआईटी बीएचयू का केजीएफ है क्या ये सेरेमिक डिपार्टमेंट? देखिए सर, केजीएफ तो सर छोटी मोटी बात है सर, ऐसे दो लोगों ने करी थी वहाँ पर, लेकिन ऊपर यस सर उनको लटका। फर्स्ट ईयर में केजीएफ की बात नहीं करते हैं, फर्स्ट ईयर में आए आप लोग, रैगिंग वैगिंग कुछ ऐसा दिखना सर? ऐसा हुआ ना सर, ये जैसे ये इंसान है ना सर, इसकी बहुत रैगिंग हुई थी कल, तो फिर ना इसने क्या कर दिया था, इसने बोल दिया था कि सब लॉबी 2 में इकट्ठे हो जाओ, लेकिन इसने झूठ बोल दिया था। तो आप देख रहे हो कि आप इसको टर्न करके देखोगे ना, तो थोड़ा चिपक पिचक चुका पीछे से पिचक चुका थोड़ा पीछे से। मेरे जैसा था, इसे मार मार के ऐसा बनाया गया। कल के रैगिंग का कमाल है ये? नहीं जी जी सर, बिल्कुल रैगिंग का कमाल है, रैगिंग का कमाल है। अच्छा, यहाँ पे खाने वाने की सुविधा सब कुछ बढ़िया? खाना तो सर इतना बेस्ट है सर, आपको क्या बताऊं सर आपको। सर मैं कुछ भी हो जाए सर, हम लेट आए हॉस्टल, हम जूस भी, हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन सर मैं कुछ ये जरूर कह सकता हूँ कि खाना बेस्ट है सर यहाँ का खाना, बीएचयू जिंदाबाद। लेकिन लोगों को कमेंट बॉक्स में कहना है कि खाना बढ़िया नहीं। अरे नहीं सर, ये सर बिगड़े हुए बच्चे हैं सर, एसी में रहे हैं, सब कुछ इनको बेड पे मिला, लेकिन मैं कह रहा हूँ खाना जिंदाबाद। खाना बेस्ट है सर हमारा, खाना बेस्ट है। अच्छा, ये रैंक अगर बात करें जनरल की, हाँ जी, तो जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी आ जाता है, फिर एससी, फिर एससीएसटी। हाँ जी हाँ जी। तो जनरल का रैंक क्या गया बिना ईडब्ल्यूएस लगाए? सर मेरे को लग रहा है 680 रैंक ओपनिंग था, तो फिर 680 से लेके मतलब 780 तक गया होगा, क्योंकि सर एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोग अनुमान लगा पाएंगे। सर 680 रैंक ओपनिंग था और आई थिंक 800 तक जनरल का गया था। बीएचयू की रैंक पूछने का पॉइंट नहीं है, मतलब अगर कोई भी जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहा है उसे बीएचयू के सपने ना ही दिखाओ। बीएचयू के सपने क्या ये वर्थ नहीं है यहाँ पे आना? आप लोग को नहीं लगता कि आप यहाँ पर हमसे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? आपको लगता है आपका इंटरव्यू की ट्रिप? मैं बीएचयू का बच्चा हूँ सर। अरे यार सर, मेरी बातों से आपको लग रहा है कि बीएचयू का आईआईटी है? मैं सर देखो सर देखो सर देखो एक कैसा सर लग रहा है कि आईआईटी है? अच्छा बताइए, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, आप बताइएगा, तो हमें क्या पूछना चाहिए, क्या एक इन्फॉर्मेशन पास करनी चाहिए 11th 12th के बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके का वीडियोस उनको दूं? आए ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स लो, ये साइंस बकचोदी है, किसी से पूछ लो यहां पर अगर एक ऐसा मिल गया जो साइंस के लिए फेवर करे। कह रहे आइए इनके पास, कह रहे साइंस लेनी नहीं चाहिए, आईआईटी पढ़ना इतना बेकार है। सर आपने क्या लिया था 12th में? मतलब 12th में मेरा बायोलॉजी था सर, बायोलॉजी है सर। देखिए सर, हम ना सर देखिए, हम पीसीएम रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन सर हम बायोलॉजी भी रेकमेंड नहीं करेंगे। हमने दोनों ली थी, बायोमैथ्स बायोमैथ्स दोनों। सर इसलिए आईसीसी बोर्ड था क्या? नहीं नहीं, सीबीएसई थी। ओवरऑल हम क्या माने यहाँ की रैंकिंग? पढ़ रहे बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना बढ़िया नहीं है, लेकिन सर बेस्ट कॉलेज तो यही है। मतलब आप जैसे खाना वाना की बात हो गई, और मतलब फैकल्टी की बात होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी आईआईटी बीएचयू इज लाइक अप देयर। लाइक आईआईटी बॉम्बे के बाद अगर बीएचयू आता है, अगर कोई कॉलेज आता है, तो वो बीएचयू ही है, आई थिंक सो। बीएचयू है। अच्छा, बीएचयू में ब्रांचेस की बातें करें, हमने बात किया सीएस टॉप ब्रांच है। नहीं सर, सेरेमिक 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 की बात क्या है? सीएस एमएसटी 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 हाँ एमएसटी भी तो बोली गई। मजाक कर रहे हैं यार दोनों मजाक कर रहे हैं। क्या किस चीज का मजाक? अगर मजाक कर रहे हैं, सारी चीजें जनता के सामने हैं, हम कहाँ हम गांग कर रहे हैं। मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं सर, सेरेमिक बेस्ट है। अच्छा, सीएस के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्या ब्रांच बढ़िया है? सर सीएस के बाद तो सर आईआईटी ड्रॉप कर देना चाहिए फिर आपको, फिर अगर आपको सीएस नहीं मिल रहा तो मतलब या तो सर में या तो सीएस में तो यही रेकमेंड करूंगा, बाकी तो लाइफ अच्छी लग नहीं रही मेरे को। बीएचयू है नहीं उसके बाद? उसके बाद तो सर मजे है सर। उसके बाद आर्ट्स लो, बिल्डर हॉस्टल। यस सर। तो प्लेसमेंट कितना चाहिए भाई? सर प्लेसमेंट सर मेरे को सच्ची बात बताओ ना सर, सर आप मेरे को अभी 1 लाख दोगे ना साल का, मैं जॉब में काम कर दूंगा आपके लिए। सर सच्ची साइड में सर साइड में बात करो तो मैं कैमरा पकड़ लूंगा सर। कैमरा पकड़ूंगा बहुत अच्छे से। हाँ यार, अभी वैकेंसी भी निकाला चैनल पे कुछ दिन, मतलब कल ही रात को। लेकिन सर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले लो सर। सर मैं बता रहा हूँ सर, पढ़ाई बड़ी समूह में सर, मैं कैमरा पकड़ सर, मैं 3 साल ड्रॉप आउट की बात करें, लोग स्टार्टअप करने के लिए आजकल ड्रॉप करते हैं कॉलेज को अपने, तो क्या भी आईआईटी बीएचयू स्टार्टअप कोई बढ़िया किया अभी तक, सुना आपने कभी? अरे कल परसों यूनिकॉर्न बना हमारा फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला कुछ बताएंगे इसको डिटेल में? लाइक ये स्टार्टअप था ना, ये हमारे एक सेकंड ईयर राइट ने स्टार्ट किया था, उनका नाम अनमोल था। हाँ। तो फिर लाइक वो
अरे हाँ हाँ ये तो भाई ये तो एक्चुअली ये तो एक्चुअली बच्चों बेवकूफ बनाते हैं इसमें। हाँ जाते हैं कि जेई के लाओ 11 12th में पढ़ने हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो पढ़ाते नहीं है और वो यूनिकॉर्न बन गया इससे। यस यूनिकॉर्न मतलब उनका 7,000 करोड़ का ऐसा। ये वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग अभी मिली है आईआईटी सारे आईआईटीज को मिल रही है। ये क्यूएस रैंकिंग क्या है सर आप पूछ रहे हो? आप बता दो सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यूएस रैंकिंग के बारे में, कुछ नहीं पता। 680 में लौटने का बीएचयू लेना, मैंने ले लिया 680 बीएचयू मिल गया आपको। क्या आपके यूट्यूब चैनल है क्या है? ये बीएचयू स्टूडेंट लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम है। ओह माय गॉड आई एम ब्रोक, कमेंट लाइक करना मेरा। अच्छा यार लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए गाइस मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो पहले तो जाके सारे। अंशु सिंगला नाम है मेरा, 9 हो चुके हैं। और गाइस लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, रुकना नहीं चाहिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दो, एक्टिविटी बढ़नी बढ़नी चाहिए, लाख लगा दो सब्सक्राइब कर करके। कितने सब्सक्राइबर हैं सर हमारे अभी? लगभग 5,000 50,000 कर दो आज ही ठोक दो लाइक सब्सक्राइब। सर आप हमें चैनल का लिंक दो सर, हम फैला देंगे सर। यहाँ पे 1300 बच्चे हैं सर, 1300 के 1300 सब्सक्राइब करेंगे सर आपको। सर हम भी आईडी हमारी होती भी 4-4 आईडीज है। चार आईडीज हैं जी। तो सीरियसली क्या यहाँ पे नहीं मजा आया? एकेडमी उतनी अच्छी नहीं है बीएचयू की? सही सही सर, 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 सर लाइक मैं बताता हूँ। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी तक का क्या रिस्पांस है, कितने दिन